हेलो गाइस, अगर आपके भी यूट्यूब चैनल पे 15 से 20 व्यूज आने के बाद आपका भी वीडियो रुक जाता है, वहां पे आपका वीडियो नहीं चलते, तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि 15 से 20 व्यूज आने के बाद आपका वीडियो क्यों रुक जाता है, इसका वजह क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है आपका वीडियो को रुक जाने का, आपका वीडियो को अटक जाने का, 15 से 20 व्यूज आने के बाद आपका वीडियो क्यों रुक जाता है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर इस सेटिंग को आप ऑन कर लेते हो, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर लेते हो आप अपने यूट्यूब चैनल में, तो 100% जिस वीडियो पे आपका व्यूज 15 से 20 आने के बाद रुक जाता है, उस वीडियो का व्यूज कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि 15 से 20 व्यूज आने के बाद आपका वीडियो क्यों रुक जाता है, क्यों अटक जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखा दे कौन सा ऐसा सेटिंग है जिस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके यूट्यूब वीडियो का 15 से 20 व्यूज आने के बाद जो वीडियो का व्यूज रुक जाता है, उस वीडियो का व्यूज कभी भी रुकने वाला नहीं है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाते, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आधा अधूरा वीडियो अगर आप देख के जाते हो तो बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर देना, जब भी मैं यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आपके भी वीडियो पे 10 या 15 व्यूज आने के बाद आपका भी वीडियो रुक जाते हो, तो 100% आप अपने चैनल में गलती किए हो। उस गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम वर्जन में आना होगा। गूगल क्रोम वर्जन में आने के बाद यहाँ पे YT स्टूडियो लिख के यहाँ पे सर्च कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे ytstudio.com आ चुका है, इस ytstudio.com को सर्च कर देना है आपको। जैसे सर्च करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है। 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप सेट कर देना है। डेस्कटॉप सेट करने से होगा क्या, आपका फ़ोन का जो ऑप्शन है कंप्यूटर के जैसे हो जाता है। उसके बाद आपका चैनल का यहाँ पे लोगो दिखाई देगा, इस चैनल के लोगो पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए चैनल, यहाँ पे चैनल पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे चैनल पे क्लिक करते हो तो कुछ नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से खुलने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सी करना क्या है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए अपलोड डिफ़ॉल्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे नीचे वाले पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से 10 से 15 कैटेगरी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 10 से 15 व्यूज आने के बाद आपका वीडियो रुक क्यों जाता है। आप कौन सा कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो, आप गेमिंग का वीडियो बनाते हो या टेक्निकल वीडियो बनाते हो या ब्लॉग्स वीडियो बनाते हो या इंटरव्यू वाले वीडियो बना, कौन सा वीडियो बनाते हो, कौन सा वीडियो का कौन सा कैटेगरी रखे हो। अगर जब तक आपके वीडियो में, जैसे आप हिंदी में वीडियो बनाते हो और इंग्लिश वाले ऑडियंस के पास आपके वीडियो को भेजेगा, तो इंग्लिश वाले ऑडियंस क्यों आपके वीडियो को देखेगा, सबसे मेन बात यही होता है। तो आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना होगा, और एक ही काम नहीं है। और दूसरा क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो पे, तो बहुत सारे ऑप्शन इस एरो पे आ जाता है, लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है, हर ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अगर ये भाषा अगर आप सेट करके नहीं रखते हो, फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप हिंदी में वीडियो बनाते हो और आपके वीडियो मराठी वाले ऑडियंस के पास भेजेगा, तो मराठी वाले ऑडियंस आपके वीडियो को नहीं देखेगा जब तक आप अपने भाषा को सेट नहीं करोगे। जब हम यहाँ पर अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे आपको सेट करना होगा, तभी यूट्यूब को लगेगा कि ये बंदा जो वीडियो बना रहा है हिंदी वाला वीडियो बना रहा है, तो हिंदी वाली ऑडियंस के आपके वीडियो को भेजेगा। अगर जब तक आप अगर आपका इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट होगा, कोई और भाषा सेलेक्ट होगा, तो उसी कैटेगरी के ऑडियंस को भेजेगा, लेकिन उस कैटेगरी के ऑडियंस को आपके भाषा में या आपके वीडियो में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो आपके वीडियो को क्यों देखेगा। तो सबसे मेन और कैटेगरी, यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कैटेगरी और वीडियो का लैंग्वेज, ये दो चीज़ आप सेट कर लेते हो तो 100% एक महीने के अंदर में आपको अच्छा खासा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पर सेट कर देना, जब भी मैं मोबाइल से रिलेटिव और यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।